संस्कृत की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत। संस्कृत में अपने हमने आपकी व्याकरण की चैप्टर लिए थे आसिम बाप की किताब से लिखा है। तो नाइन्थ क्लास का हमने आपका पहला पार्ट लिया है जिसका नाम है आपके भारतीय वसंत की। इसमें पद्यांश है जिनमें पद्यांश के माध्यम से कवि ने प्रकृति का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। तो पहला पद्यांश हमने लिया है इसको मैंने यहाँ बोर्ड पर लिख दिया। अगर आपके पास किताब है तो आप किताब खोल के पढ़िएगा, समझ में आएगा। किताब नहीं है तब भी यहाँ पे आपके लिखा हुआ है शब्द को अर्थ में बताऊंगी। अगर आप याद कर सके तो अच्छी बात है, नहीं तो आप उसको नोट भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आपके पहले पाठ का पहला पद। तो कवि क्या कह रहा है, निनाद निनाद यानी बजा, नवीनाम यानी नई नई नवीन, ठीक है। आए वाणी, आए संबोधन का शब्द है यानी अरे ए वाणी कहते हैं आपके सरस्वती विद्या की देवी है, और वीणाम यानी वीणा। तो कवि क्या कह रहा है कि आए वाणी हे सरस्वती नवीनाम वीणा निनादे, नवीन वीणा को बजाओ। आप जानते हैं कि सरस्वती का वाद्य यंत्र कौन सा है, वीणा। तो कवि उसे ये प्रार्थना कर रहा है संबोधित करते हुए कि हे सरस्वती नवीनाम वीणा निनादे, नवीन वीणा को बजाओ। आगे क्या कह रहा है सरस्वती से, मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीना, ललित यानी सुंदर, नीतियों से लीना यानी सुंदर नीतियों से युक्त, यानी आप ऐसी पंक्तियां गाओ जिनमें बहुत ही सुंदर सुंदर बातें कही गई हैं। तो ललित नीति लीना सुंदर नीतियों से युक्त, मृदुम यानी मधुर, गीतिम यानी गीत को, और गाय यानी गाओ, मधुर गीत को सरस्वती सुंदर नीतियों से युक्त मधुर गीत को गाओ। क्या कह रहा है कवि कि हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ और सुंदर नीतियों से युक्त मधुर गीत को गाओ। आगे क्या कह रहा है, मधुर मंजरी पिंजरी भूत, मधुर मंजरियों से पीली हुई पिंजरी यानी पीली मंजरी। आप जानते हैं कि आम जब फल आने वाले होते हैं पहले आम के पेड़ पे पीले पीले फूल खिलते हैं जिनको अपन क्या कहते हैं आम की मंजरी का। तो वही कवि यहाँ पर कह रहा है कि मधुर मंजरियों से पीली हुई यानी आम के पेड़ों पर पीले रंग की जो मंजरी खिल रही है उससे आम के पेड़ बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो मधुर मंजरी पिंजरी फूल, मधुर मंजरियों से पीली हुई, रसाला सरसा रसाला रसीले आम के वृक्षों की माला का मतलब है यहाँ पे पंक्तियां, रसीले आमों की पंक्तियां यानी मधुर मंजरियों से आम के वृक्षों की पंक्तियां जो पीले रंग की हैं बहुत ही सुंदर लग रही है। तो मधुर मंजरियों से पीली हुई रसीले आम के वृक्षों की पंक्तियां इही बसंते इस बसंत ऋतु में लसंती यानी सुशोभित हो रही है, वो इस बसंत ऋतु में सुशोभित हो रही है बहुत ही सुंदर लग रही है। आयोग कह रहा है कलापा ललित कोकिला काकलीना, कलापा कहते हैं समूह, समूह किसका समूह, कोकिला कोयलों का, काकलीना में ध्वनि करता हूं कोयले जो आवाज निकाल रही है उसके लिए कहा है कि कोयलों का ध्वनि करता हुआ सुंदर ध्वनि करता हुआ, ललित यानी सुंदर, कोयलों का सुंदर ध्वनि करता हुआ समूह कलापा यानी समूह। एक तो मधुर मंजरियों से पीली हुई रसीले आम वृक्ष की पंक्तियां इस वसंत ऋतु में सुशोभित हो रही है, और दूसरा कोयलों का सुंदर ध्वनि करता हुआ समूह भी सुशोभित हो रहा है। तो इस इतने सुंदर प्राकृतिक दृश्य को देखते हुए हे सरस्वती आप नवीन वीणा को बजाओ और सुंदर नीतियों से युक्त मधुर गीत को गाओ, ऐसी प्रार्थना कर रहा है कवि माँ सरस्वती। तो यह आपके पहले पद्यांश का पाठ, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी पाठ के अगले पद्यांश को हम कर लेंगे, आप इसको पढ़िएगा इसको दोहराइएगा तब हम इस पाठ को आगे फिर से लेंगे। तब तक के लिए आप मुझे